ऐसे ऐसे इस लाइन में स्टेशन है जहाँ की टिकट काउंटर भी नहीं है, वहाँ ट्रेन एक्सप्रेस सभी रुकती है, क्या कारण है? यहाँ की जनता का क्या गुनाह है? यहाँ की जनता इलाज के लिए बनारस जाने में तड़प जाती है, मर जाती है, रांची नहीं जाती है, पटना जाने के लिए उतना ही दिक्कत है, एक दिन पहले यहाँ से तैयारी करके टेहरी जाना पड़ता है या नबीनगर जाना पड़ता है, आप सोचिए महोदय कितना कष्ट है। रेल की समस्या के लिए हम लोग यहाँ आम सभा रखे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि रेल प्रशासन इन तमाम जनता के साथ सतेलापन व्यवहार कर रही है। कोरोना काल से आज तक अभी तक ट्रेन बंद है, क्या कारण है? कभी सुना जाता है कि यहाँ का राजस्व नहीं मिलता है, इस वजह से बंद है। कभी सुना जाता है कि दूरी की समस्या है। हम ये कहना चाहते हैं महोदय, नावाडी और चपला की दूरी मात्र 9 किलोमीटर है, वहाँ ट्रेन नावाडी में भी रुकती है और चपला में भी रुकती है। ऐसे ऐसे इस लाइन में स्टेशन है जहाँ की टिकट काउंटर भी नहीं है, वहाँ ट्रेन एक्सप्रेस सभी रुकती है, क्या कारण है? यहाँ की जनता का क्या गुनाह है? यहाँ की जनता इलाज के लिए बनारस जाने में तड़प जाती है, मर जाती है, रांची नहीं जाती है, पटना जाने के लिए उतना ही दिक्कत है, एक दिन पहले यहाँ से तैयारी करके टेहरी जाना पड़ता है या नबीनगर जाना पड़ता है, आप सोचिए महोदय कितना कष्ट है। या जनता की ताकत को रेल प्रशासन कम आंक रही है। मैं रेल प्रशासन को ये भी कहना चाहता हूँ कि जनता की ताकत और हमारे क्षेत्रीय सांसद क्षेत्रीय विधायक की ताकत को कम नहीं आके, जनता इनके साथ है। और ऐसा नहीं कि अधिकार के लिए उग्र रूप धारण कर ले, बहुत बड़ी समस्या है, जनता मर रही है। रेल प्रशासन कान में अपना कान बंद किए हुए है। आप सोच सकते हैं थोड़ी सी उग्रवादी संगठन ये भी अनाउंस करता है कि आज भारत बंद है, बंद तो ट्रेन रुक जाती है, ट्रेन अपना दिशा बदल देती है, और जनता गुहार कर रही है, प्रार्थना कर रही है, फिर भी कोई नहीं सुनता। माननीय महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अविलंब जितना संभव हो सके इस समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को मैं विश्राम करता हूँ। धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।